भाई क्या हुआ है यहाँ सामने? क्या हो गया इतना लोग? ओ भाई एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो जाने की ठीक है तो लोकटा हो गाइस। तो कैसे हो? सो फाइनली आई एम ऑन माय धन्नो। भाई ये जो फील आ रहा है ना भाई, क्या ही बोलूं, मतलब बस मजा आ गया। कल मैं आके कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। मैं कल घर आया, मतलब एयरपोर्ट के बाद से मैं व्लॉग नहीं किया, बस उधर ही व्लॉग को एंड कर दिया था। और आज सवेरे सवेरे मैं निकला हूँ ऐसे ही घूमने, क्योंकि आने के बाद घूमना तो पड़ेगा ना, तो इसीलिए आ गया घूमने, निकल गया। ओ भाई मारो। ओ भाई मतलब आज फुल मतलब गियर अप हो गया हूँ मैं, एंड मजा आ गया थोड़ा खींच के बाइक को। और एंगल का पता नहीं क्योंकि आज ऐसे निकल गया था मैं। कल है मेन राइड, कल संडे सुबह का राइड ज़रूर होगा, एंड उसके बाद संडे के बाद आएगा मंडे। मंडे आई थिंक आई एम प्लानिंग फॉर समथिंग शॉर्ट ट्रिप, मतलब सुबह जाके शाम को वापस आने का प्लान है एक जगह पे, तो वैसे एक ट्रिप मारेंगे। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ और भी जाएंगे बंदे कुछ, तो देखते हैं क्या होता है, कौन कौन जाता है मेरे साथ। तो मिलते हैं कुछ देर में, ठीक है गाइज। गाइज एक चीज़ है कि अपना अपना जो चीज़ होता है, लाइक बाइक हो या कुछ भी हो, उसको यूज़ करने में चलाने में एक अलग ही मज़ा है। जैसे मतलब ये भी खुश है मैं भी खुश हूँ ऐसा कुछ, मतलब ये भी मेरे को पूछ रहा होगा कि आप इतने दिन है थे कहाँ, ऐसा ही कुछ है। तो गाइज अभी मैं आया था हरिपाल, जैसा आप लोगों को बोला था कुछ देर पहले, और अभी जा रहा हूँ मैं तारकेश्वर। और हरिपाल में थोड़ा मेरा काम था वो हो गया, एंड नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स तारकेश्वर। भाई सच बोलूँ तो अभी जो वेदर है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है चलाने में गाड़ी। आई होप आप लोगों को जो मेरा आवाज़ है वो क्लियर आएगा, सब सेट करके रखा था मैंने। तो बाइक पे ज़्यादा फ्यूल भी नहीं है, मेरे को फ्यूल अप भी करना पड़ेगा तारकेश्वर जाके। और गाइज लास्ट वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोला क्योंकि भाई देखो, एक तो मेरे को इतना नींद आ रहा था कि क्या बोलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को, इसलिए सोचा कि छोड़ो, जो भी मेरे को बोलना पड़ेगा मैं वो वीडियो में बोल दूँगा। और मेरे को जो कहना था, मैं सडनली वहाँ से आ गया इधर चेन्नई से, बेसिकली मेरा जो टिकट था वो था 23 को, लेकिन मेरे को किसी काम से 2 जनवरी को टिकट बुक करना पड़ा। और मैंने बोला था कि क्या कारण था, जो भी मेरे को फॉलो करते हैं मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मैं क्यों आना चाहता था जल्दी, क्योंकि नया जो म्यूटेंट है उसका कुछ सिम्टम इंडिया में भी दिख रहा था, और जो लोग यूके से आए थे उनके सैंपल, मतलब जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में पॉजिटिव मिला था, इसलिए थोड़ा टेंशन था मेरा। मेरे पापा को बोला था और मम्मी भी बोला कि चला चल बेटा आ जाए यहाँ पे, बहुत दिन हो गया वैसे भी। तो इसके वजह से मैंने अपने टिकट को कैंसिल करके 2 जनवरी को किया था, लेकिन मेरे को 30 दिसंबर को एक मैसेज आया कि ड्यू टू सम कोविड 19
प्रिकॉशन आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो धक्का लगा तब, क्योंकि अब अगर लॉकडाउन हो जाए वहाँ पे तो मैं कैसे वापस आता। और वैसे भी अभी बात चल रहा था लॉकडाउन का, तो थोड़ा टेंशन था कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। सो इसलिए मेरा जो जहाँ से मैंने टिकट करवाया था उनको बोला फ़ोन करके कि मेरे को ये मैसेज आया, मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया मैसेज। उन लोगों ने बोला कि ठीक है तू टेंशन मत कर, मैं कर दूंगा तेरा जो भी नया वाला टिकट होगा मैं जल्दी कर दूंगा। तो 30 दिसंबर के रात को मेरे को मैसेज आया कि हाँ मेरा जो टिकट है वो 1 दिसंबर को हो गया, सॉरी 1 जनवरी को हो गया। तो बस निकल पड़े और जल्दी जल्दी आ गए यहाँ पे, और आते ही मैंने मोटर ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दिया। भाई मिस कर रहा था यही चीज़, ये कैमरा, ये भाई बाइक, मैं ये सब चीज़ मिस कर रहा था, क्या ही बोलूँ भाई। क्या जाम था यहाँ पे, मतलब ट्रेन पास होने के लिए जो गेट गिरता है ना वही गिरा था, बहुत जाम था। और अभी जाएंगे फ्यूलिंग अप करने, क्योंकि देख रहे हो ना फ्यूल नहीं है, तो जाएंगे फ्यूल अप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरा एक काम है बैंक में, वो करने जाएंगे, और आज का काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा से चलो भाई, बाइक चलाना छोड़ देना पड़ेगा। 89 रुपीज़ पर लीटर भाई, मतलब मैं जब यहाँ पे लास्ट टाइम था, मतलब जस्ट फ्यूल अप किया था लास्ट टाइम, तो तब उतना रेट नहीं था भाई, मतलब छोड़ देना पड़ेगा अभी गाड़ी चलाना। नॉर्मल फ्यूल 86 और एक्स्ट्रा प्रीमियम 89, और मैं एक्स्ट्रा प्रेफर करता हूँ इसके लिए बिकॉज ऑफ गुड परफॉर्मेंस। सामने देख रहे हो गाइस, चेन्नई में था लेकिन उधर जैम रहता है क्योंकि उधर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, इधर ट्रैफिक उतना नहीं है लेकिन लोगों के वजह से ज़्यादा जाम होता है, क्योंकि सबको जल्दी जाना है, पहले जाना है। भाई सच बोलूँ तो अपने जगह का मज़ा कुछ अलग ही है। मैं अपना जो फील अभी आ रहा है मेरे को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा तुम लोगों से, मतलब क्या फील कर रहा हूँ अभी। और सच बोलूँ तो बाइकिंग का मज़ा जो होता है ना वो विंटर सीजन का ही मेन होता है। जैकेट वैकेट पहन लो, आपको गर्म भी नहीं होगा, ऊपर से अच्छा लगेगा। तो जो भी है भाई बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। इनेस बॉय वांट्स टू रेस, शुड आई? नो। और भाई क्या हुआ यहाँ सामने, क्या हो गया इतना लोग? ओ भाई एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो जाने की, ए बाबा ठीक है तो लोकटा ईश মানে অটোমেটিক খুলে বেরিয়ে গেছে, অটোমেটিক চাকা খুলে বেরিয়ে গেছে, এ বাবা। আরে তো মোটর ধরেই পড়াতে হবে ওকে यार, পেছনটা পুরো কেটে গেছে, পেছনটা পুরো কেটে। ও ভাই यार यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है, मैं सच बोल रहा हूँ ये सब चीज़ मैं नहीं देख पाता यार, बोल रहा कि नहीं बच पाएगा। मतलब एक मोटो वैन था, उसका व्हील, मतलब वो लोड था फुल और उसका व्हील खोल के मतलब वो एक्सीडेंट हो गया। भाई जो भी हो भाई ठीक हो जाओ, मत मतलब मरना क्यों भाई, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा यार।
अल्लाह उसको सलामत रखे, बस यही दुआ करता हूँ। गाइस जो भी हो, मेरे को अभी बिल्कुल बात करने का मूड नहीं लग रहा। प्लीज़ वीडियो को, मतलब मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग एंड राइड सेफ। ऑलवेज वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग, और गियर ना हो तो हेलमेट ज़रूर से पहनिए, बस यही मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।